नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना की रफ्तार अब पूरे देश में थमती नजर आ रही है। वहीं सरकार की ओर से कोरोना की तमाम पाबंदियों को भी अब खत्म कर दिया गया है, पर एएमयू में कोरोना काल के बाद से बंद हुई क्लास अभी तक शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर अब छात्रों ने अपने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। एएमयू की क्लासरूम में बैठा कोरोना, कैंपस में प्रोग्राम को परमिशन, पर क्लास पर रोक क्यों? एएमयू में विवादित स्लोगन पर बवाल, वीसी लॉन्च पर क्यों लिखे गए विवादित स्लोगन? देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से गहरा नाता है। आए दिन यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन की खबरें सामने आती हैं। वहीं प्रदर्शन का ताजा मामला ऑफलाइन क्लास को लेकर सामने आया है, जहां कैंपस में वाइस चांसलर लॉन्च की दीवारों पर किसी छात्र गुट ने विवादित स्लोगन लिख दिए हैं, जिनके फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। वहीं फोटो वायरल होने के बाद एएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल वीसी लॉन्च की दीवारों पर लिखा गया कि कैनेडी हॉल में प्रोग्राम, क्लासरूम में कोरोना, वीसी वेकअप। इसके अलावा कुछ जगहों पर लिखा गया कि वीसी गॉट एक्सटेंशन, स्टूडेंट्स गॉट व्हाट। स्लोगन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि एमयू कैंपस में प्रोग्राम चल रहे हैं, पर ऑफलाइन क्लासों को बंद कर दिया है, क्या क्लासरूम में कोरोना बैठा है? बता दें कि ये स्लोगन कैंपस में क्लासरूम चालू कराए जाने के लिए लिखे गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही एएमयू प्रशासन को हुई, तो आनन फानन में सड़कें और दीवारों को व्हाइट पेंट से पुतवा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर छात्रों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोविड के स्टार्टिंग से ही बंद किया गया है। देश में सब कुछ अब खुल चुका है, चुनाव हो रहे हैं, शपथ ली जा रही है, लेकिन शिक्षण संस्थान आज भी बंद है। एएमयू छात्र अबू सईद और सलमान ने प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि एएमयू के अंदर कैनेडी हॉल में हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां कोई कोरोना नहीं है, लेकिन क्लासरूम को आज भी बंद किया हुआ है, क्योंकि वहां इनको कोरोना बैठा दिखाई दे रहा है। इसीलिए किसी छात्र गुट ने एएमयू वीसी तारिक मंसूर के आवास की दीवारों और सड़कों पर स्लोगन लिख दिए हैं। स्लोगन जो लिखे गए थे, ये जो पीछे की दीवार दिख रही है आपको, कैमरे में नजर आ रही होगी, यही दीवार है, ये वाइस चांसलर लॉज की दीवार है। उसमें साफ लफ्जों में लिखा गया था कि कोरोना काल बताया जा रहा है, लेकिन कैनेडी हॉल खुला हुआ है, यानी वहां पर तमाम तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि तमाम से मुराद यानी फिल्म रिलीज होने वाली है, आज के डेट में कोई फिल्म है मुझे मालूम नहीं कौन सी है, लेकिन हमारे क्लासरूम बंद हुए हैं, यानी सिर्फ एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर में जो फोर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासरूम ओपन किया गया, और पीएचडी वालों के लिए अपने रिसर्च के लिए। लेकिन आमतौर से बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई से इनको कोई लेना देना नहीं है। और वाइस चांसलर का अपना एक्सटेंशन हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब आए हैं तो कायदे से कोई काम करने के, कुछ सोचें और करने के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हक की बात करें हम, क्योंकि अब हमारा एक जमाना गुजर गया कि जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, अभी तक क्लासरूम में ही देखे हैं, और जो बगैर बुक के पढ़ेंगे, मोबाइल से पढ़ेंगे, मोबाइल की हालत क्या है, ये सब चीज़ें मैं वाइस चांसलर से गुजारिश करता हूँ। ये स्लोगन कौन लिखा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो लिखा था ये हकीकत है। हालांकि एएमयू प्रशासन ने दीवारों को सफेद रंग से पुतवा दिया है। आगे बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा एएमयू वीसी तारिक मंसूर का कार्यकाल अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनसे आग्रह है कि अब तक जैसा भी चला, लेकिन अब वो एएमयू को अच्छे से चलाएं और कैंपस को जल्द खुलवाएं। वहीं एएमयू के छात्र अबू सईद ने बताया कि कुछ स्लोगन लिखे गए हैं जो अब वायरल हो रहे हैं, जिन पर लिखा गया था कि एएमयू वाइस चांसलर का एक्सटेंशन हो सकता है, कैंटी हॉल में इवेंट हो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या कोरोना है जो क्लासेस को ओपन नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरा नाम अबू सईद दिलवर सिद्दीकी है। ठीक है, कुछ स्लोगन वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसपे कुछ लिखा हुआ है कि एएमयू वाइस चांसलर गॉट एक्सटेंशन और
व्हाट स्टूडेंट गॉट ये और वेकअप डीसी, ये सब तमाम लिखा हुआ था। कैनेडी में इवेंट्स हो सकते हैं मगर क्लासरूम में कोरोना, तो ये तमाम चीज़ तस्वीर वायरल हुआ है जो दीवार पे लिखा हुआ था। अब किन्होंने क्या किसने किया ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तमाम तस्वीर वायरल हुआ जिसको लेकर बच्चों का यही है कि जो इवेंट्स हो रहा है, तमाम कल्चर तमाम चीज़ हो, चीज़ प्रोग्राम हो रही है मगर क्लासरूम नहीं खोल रहा है, उसी को लेके कुछ ये तस्वीर वायरल हुआ, कुछ नारा लिखा गया है। वहीं इन सब मुद्दों पर लिखे गए स्लोगन अब वायरल हो रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द एएमयू को खोला जाए। वहीं छात्र अबू सईद ने स्लोगन लिखने के सवाल पर बताया कि ये स्लोगन किसने और क्यों लिखे हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस स्लोगन में लिखी हुई बात साफ जाहिर करती है कि छात्र चाहते हैं कि एएमयू को जल्द से जल्द खोला जाए और छात्रों की पढ़ाई चालू हो पाए। हाँ, ये अभी ये जो पिछली रात गुजरी इससे पीछे की रात में यूनिवर्सिटी के जो विषय लाज है उसके दीवार पे कुछ रात में कुछ लोगों ने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि किसने ये लिखा है, कुछ स्लोगन लिख दिया है। बेसिकली वो स्लोगन ज़्यादातर जो स्लोगन है उसमें लिखा हुआ है वो क्लास खोलने के यानी ऑफलाइन खोलने के लिए है। उन्होंने लिखा है कि साहब क्लास रूम में कोरोना और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम, यानी कुछ कोई प्रोग्राम शायद कैनेडी हॉल वगैरह में शेड्यूल है, तो उसको लोग लेकर के लड़कों ने कुछ अपना कंसर्न जाहिर किया है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही हैं और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा इशारा है उन्होंने। और एक उसमें कहीं ये भी कर दिया है कि वीसी का एक्सटेंशन, इसके ऊपर भी उन्होंने, लेकिन कोई ऐसे ख़ास वाइस चांसलर के बारे में तो नहीं कहा है जिससे उसे कोई माने मतलब निकाला जा सके। वहीं इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम ने भी जानकारी दी। प्रॉक्टर वसीम ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि रात में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा वीसी लॉन्च की दीवार पर ऑफलाइन क्लास खोलने को लेकर कुछ स्लोगन लिखे गए थे, उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि छात्रों द्वारा कुछ विवादित भी नहीं लिखा गया। इस पूरे मामले का उद्देश्य मात्र ऑफलाइन क्लास को खुलवाना था। बहरहाल मामले के तूल पकड़ने पर कैंपस प्रशासन ने स्लोगन तो छुपा दिए हैं, पर सवाल अभी भी बरकरार है कि सरकार के निर्देशों के बाद भी आखिर अभी तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू क्यों नहीं की गई, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का जवाब आना अभी बाकी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस